हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर और हमारा 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन जो है, जो हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर से कुछ पार्ट कवर किया था, अब यह आखिरी वीडियो लेक्चर है। ठीक है, इस लेसन के लिए आज के वीडियो थर्ड वीडियो लेक्चर में हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये जो लेसन है जिसका नाम है डिक विटिंगसन एंड हिज कैट। तो डिक विटिंगसन जो है वो लंदन आ जाता है, आने के बाद वो किसी एक मर्चेंट जो है जिसका नाम दिया है यहाँ पे मिस्टर फिट्जवेरन, उसके यहाँ काम करने लग जाता है। ठीक है, और वहां पे उसको रहने के लिए, जहाँ पे एटिक पे रहने के लिए जगह दी जाती थी, वहां पे उसको दो डिफिकल्टीज थी, वो हमने इसके पहले पढ़ा है। ठीक है, क्या डिफिकल्टीज थी कि एक तो वहां पे रैट्स एंड माइस थे जो इधर उधर चलते थे, इसके कारण उसको नींद नहीं आती थी। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक कैट को लेके आया, अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके कैट खरीद ली और उस कैट ने वो सारे रैट्स एंड माइस खा लिए, तो वो आसानी से सोने लग गया। ठीक है, उसको तकलीफ नहीं होने लगी। दूसरा डिफिकल्टी भी दिया है जो कि वो कुक बैड टेम्पर है। ठीक है, उसका भी उन्होंने बताया है। उसके बाद क्या हुआ, तो वो जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है एक, ठीक है, तो उसने क्या अपने घर में आके कहा कि मैं अपना शिप जो है वो अफ्रीकन कोस्ट में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप अगर कुछ अपने शिप में कुछ भेजना चाहते हो, ठीक है, बेचने के लिए, तो आप डाल सकते हैं शिप में। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे, मतलब सबको प्रॉफिट, जितना मटेरियल डालेंगे उतना प्रॉफिट सबको मिलेगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो सबने कुछ ना कुछ डाला। डिक के पास कुछ नहीं था, तो डिक ने अपना जो कैट है, ठीक है, डिक का कैट, तो उसने उसको उस शिप में भेज दिया। ठीक है, आगे का स्टोरी क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या हुआ है, सो डिक फेच सॉरी तो डिक ने अपना कैट भेज दिया। ठीक है, तो आगे क्या हुआ था, आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, तो ये जो शिप है अफ्रीकन कोस्ट पे जाके, किनारे पे जाके पहुंच गया, बारबरी जिस कोस्ट का नाम है। ठीक है, वो जो किनारा है उसका नाम है क्या, बारबरी। ठीक है, वहां पे जाके पहुंच गया, वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स मूर्स लाइव। ठीक है, वो जगह थी, मतलब वो जो किनारा था उसके बाजू में जो जगह थी, गांव या शहर होगा, उसको MOORS मूर्स ऐसे कहा जाता है। ठीक है, द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। ठीक है, तो कैप्टन ने मैसेज भेज दिया, वहां का जो राजा था उसको मैसेज भेज दिया कि मेरे पास कुछ सामान है जो कि सेल करने के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो वहां के राजा ने उसको वो जो सामान दिखाने के लिए, ठीक है, राज दरबार में बुला लिया। आगे क्या हुआ, वाइल ही वॉज टॉकिंग टू इन सॉरी ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, सम डिशेज ऑफ द फूड वेयर ब्रॉट इन, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रन अप एंड बिफोर द कैप्टन साइजेस एट ऑल द फूड, द कैप्टन वॉज अस्टोनिश एंड आस्क इफ दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपन। ठीक है, तो क्या हुआ, तो कैप्टन जो है वो राजा के दरबार में जाने के बाद उसका अच्छी तरह खातिरदारी की गई। ठीक है, उसके लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे डिशेस रखी गई, पर थोड़ा बहुत ही बात कर रहे थे उसी समय बहुत सारी डिशेस रैट्स एंड माइस चूहे ने, वहां पे जो चूहे थे उन्होंने खा लिए, बराबर। तो ये जो बड़ा तकलीफ था उसके बारे, ये जो कैप्टन है वो एस्टोनिश हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, और उसने पूछा कि ये नॉर्मली ऐसे ही होता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, अलास यस, मतलब ऐसा ही होता है। कौन बोल रहा है, केम द रिप्लाई, ऐसा कुछ उत्तर आया। ठीक है, द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लॉग
ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट राइड ऑफ देम। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये हमारे पूरे कंट्री जो है, हमारा जो देश है पूरा, वहां पे यही तकलीफ है, ये रैट्स एंड माइस सबको तकलीफ पहुंचाते हैं और उसका कुछ हमारे पास आंसर नहीं है कि उसको क्या कैसे भगाया जाए या उनका क्या किया जाए, ऐसा मुझे हमारे पास आंसर है नहीं, ऐसा जवाब मिला राजा से, किंग से। ठीक है, आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप। ठीक है, अभी ये जो कैप्टन है वो बोल रहा है कि मेरे पास इसका आंसर है, इसका क्या करना है मेरे पास आंसर है। एंड ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। उसने एक मैसेज भेज दिया और कैप्टन है, कैप्टन के जो सहकारी एक क्रू, तो उनको उन्होंने मैसेज भेज दिया कि डिक का जो कैट है उसको यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपियर्ड एज बिफोर। ठीक है, अभी क्या किया, बहुत सारा फूड खाना रख दिया गया सामने और उसके बाद जैसे रैट्स एंड माइस इसके पहले आए थे उसी तरह अभी भी आ गए। द कैट इमिजिएटली पाउंच, तो कैट ने क्या किया, हर एक को खाने की शुरुआत की, मतलब जो भी चूहे थे वहां पे उसको उस पे पंच मारने की शुरुआत की, किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। मतलब वो भागने से पहले डजन, मतलब कम से कम 12 तो उसने खा लिए थे, वो जो कैट थी उसने कम से कम डजन भर वो चूहे खा लिए। ठीक है, आगे क्या हुआ, एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड। ठीक है, सब लोग खुश हो गए, बराबर सबको आश्चर्य हुआ और क्वीन ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, ये जो एनिमल है उसको आप क्या बोलते हैं। ठीक है, पूस इज द नेम शी आंसर टू। ठीक है, उसका आंसर क्या है, तो पूस, अभी कैप्टन ने बोला कि उसको आप पूस करके बोल सकती हैं। ठीक है, एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड, क्वीन ने जब बोला, क्या बोला, पुस पुस। ठीक है, तो द कैट वेंट ओवर द ओवर टू हर एंड पुर्ड। ठीक है, कैट वहां पे क्वीन के पास आ गई पुस पुस बोलते ही समय। ठीक है, द क्वीन वॉज अ लिटल अलार्म एट फर्स्ट एज शी हैड सीन हाउ फिर्सली द कैट हैड अटैक द रैट एंड माइस, बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंग्जियस। ठीक है, तो क्या हुआ, क्वीन ने, क्वीन को अच्छा लगा कि ये जो हुआ कि रैट ने डायरेक्टली रैट्स एंड माइस पे अटैक किया। ठीक है, पर ये जो कैप्टन है कैप्टन ने क्या किया, टोल्ड हर नॉट टू बी एंग्जियस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बराबर, एंग्जियस मतलब चिंता करना, नॉट टू बी एंग्जियस मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों, पूस इज वेरी फ्रेंडली विथ पीपल, ये जो पूस है मतलब मनी जो है, अपनी कैट जो है वो पीपल के साथ, लोगों के साथ फ्रेंडली रहती है। ही सेड, वो जो कैप्टन है उसने आगे बोला, एंड वुड सून राइड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, आपका जो किंगडम है, आपका जो राज्य है, उस राज्य के सारे रैट्स एंड माइस पे वो राइड कर सकती है, सबको भगा सकती है, सबको खा सकती है, ऐसा ऐसा बोला किसने, कैप्टन ने। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है उन्होंने, आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। ठीक है, तो ये जो क्वीन है उसने कहा कि ये जो एनिमल है उसको खरीदने के लिए मैं जितना चाहे उतना वेल्थ यानी अपना संपत्ति दे सकती हूँ। ठीक है, जितना चाहे पैसा ले लो, ये एनिमल मुझे दे दो, ऐसा कुछ क्वीन ने बोला। क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में, सो द कैप्टन बिगन बार्गेनिंग, अभी कैप्टन ने बार्गेनिंग करना शुरू किया, बार्गेनिंग मतलब भाव करना, मोल तोल करना, हम बाजार में जाते हैं, कांदा का भाव अगर किसी ने बोला कि दुकानदार ने बोला 20 रुपए, तो आप बोलते हो तो तुरंत के नहीं 15 रुपए में दे दो, ऐसा वैसा, इसको बार्गेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैप्टन ने बार्गेनिंग करना शुरू किया, एंड इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्ज़वेरियंस शिप टू पे अ फाइन प्राइज फॉर इट एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन। ठीक है, तो अभी ये जो कैप्टन है उसको लगा कि अगर इसको मैंने कैट दे दिया तो हमारा सारा माल जो है शिप पे वो भी खरीद लो, ऐसा उसने कहा, किसने, कैप्टन ने। ठीक है, तो किंग जो है वहां का, ठीक है,
किंग ने क्या किया, सारा सामान तो खरीद लिया, पर सारे सामान का जितना खर्चा हुआ उससे 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा उसने पैसा दिया उस कैट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, व्हेन द शिप केम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंदन, जब ये शिप वापस लंदन के पोर्ट यानी लंदन के किनारे पे आ गई, द कैप्टन शो मिस्टर फिट्जवेरियन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबरी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ कैट द मर्चेंट सेंट फॉर डी। ठीक है, तो क्या हुआ, तो कैप्टन जब वहां पे पहुंचा लंदन के पोर्ट पे, तो उसने सब दिखाया मिस्टर फिट्जवेरियन को, मैं क्या क्या लेके आया हूँ, गोल्ड लेके आया हूँ, ज्वेल्स लेके आया हूँ, और उसने सारा स्टोरी बताया डिक के कैट के बारे में, डिक की जो कैट थी उसने क्या क्या किया वहां पे, सब स्टोरी बताया। अभी फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड, अभी डिक को उसने बोला कि फ्रॉम नाउ ऑन वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, अभी हम सब आपको मिस्टर विटिंगटन करके पुकारेंगे, ऐसा डिक को बोला, फॉर यू आर अ रिच मैन, क्योंकि अब तुम भी रिच मैन हो गए हो, अमीर आदमी हो गए हो। मिस्टर फिट्जवेरियन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट, उस कैट के लिए जितना पैसा कैप्टन ने लिया था वो सारा पैसा अभी डिक को दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है, क्या दिया उन्होंने, फ्रॉम दिस टाइम अ डिक वर्क विथ मिस्टर फिट्जवेरियन एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, अभी उसी समय के बाद क्या हुआ, ये जो डिक है मिस्टर फिट्जवेरियन के साथ काम करने लग गया, ठीक है, व्यापार का काम करने लग गया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया, सक्सेसफुल व्यापारी बन गया। ठीक है, ही मैरिड मिस्टर फिट्जवेरियन्स डॉटर अलाइस, मिस्टर फिट्जवेरियन की डॉटर जी थी अलाइस नाम की, ठीक है, उसके साथ उसने शादी की एंड 3 टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, वो 3 बार लॉर्ड मेयर हो गया लंदन का। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन, अभी उसको लोग सर रिचर्ड विटिंगटन नाम के नाम से पुकारने लग गए। ठीक है, ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, मतलब वो फेमस ही नहीं हुआ था तो पॉपुलर भी हो गया था। ठीक है, फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, अपने पास जो मनी था उससे वो पुअर जो गरीब लोग थे उनकी हर बार मदद करता था। समटाइम्स वेन ही वॉज ओल्ड, कुछ सालों बाद क्या हुआ कि वो ओल्ड हो गया, बुढ़ा हो गया, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो अपने पोते थे उनको अपनी और अपने कैट की स्टोरी वो बताता था। एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय, जब वो पुअर बॉय था तब वो लंदन के चर्च की बेल्स ने उसको जैसे वापस बुलाया था उसके बारे में भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उसने बताया। अभी वो क्या रिंग किया था वो फिर से यहाँ पे दिया है उन्होंने, टर्न अगेन विटिंगटन थाउ वेल वर्थी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, के तुम लॉर्ड मेयर बनोगे, तुम लॉर्ड मेयर हो लंदन के, ऐसा वो जो रिंग बेल्स का आवाज आ रहा था विटिंग अपना डिक के कानों में। तो ये जो पंक्तियां हैं 3 पंक्तियां वो इसके पहले भी दी थी उन्होंने, ठीक है, वो पूरा स्टोरी उसने क्या किया तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बताया। ठीक है, तो ये स्टोरी था डिक विटिंगटन एंड कैट की, कैसे कैट की वजह से वो इतना अमीर हो गया, ये पूरा स्टोरी इस लेसन में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।